नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताए जा रहे शक्ति वंदन अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी लालगंज व सदर के द्वारा चाय पर चर्चा का कार्यक्रम हरियोध कला केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता ने चाय पर चर्चा में कहा कि शक्ति वंदन अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में 10 फरवरी को शक्ति संवाद के तहत एनजीओ की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। 11 व 12 फरवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनजीओ व स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 12 से 21 फरवरी तक जिले के समस्त मंडल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए पत्रक वितरण किया जाएगा। एनजीओ व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एलईडी टीवी के जरिए 22 फरवरी को प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। 25-26 फरवरी को एनजीओ प्रमुखों का सम्मेलन किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। टोली बनाकर गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार किस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर भाजपा सदर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, भाजपा महामंत्री व अभियान के संयोजक सीता चौहान, हरीश तिवारी, नागेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह, सोनू ब्लॉक कोयलसा संतोष यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बबीता जसराजिया, महेश्वरी कांत पांडे आदि उपस्थित। आज का कार्यक्रम क्या कराया गया था? आज हरियोध कला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लालगंज व आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत एक चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोगों का आगमन हुआ था और उनके प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने मिलकर के एक बड़ी कार्य योजना बनाई है कि आजमगढ़ में संचालित होने वाले 15,000 से ज़्यादा जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी बहनों के साथ हम लोग मिलकर के किस प्रकार से देश के विकास की चर्चा करें, ठीक प्रकार से उनके विकास के बारे में चिंता कर सकें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ठीक प्रकार से हम प्रोत्साहित कर सकें और उनके बीच में जो अच्छा कार्य करने वाली महिलाएँ हैं स्वयं सहायता समूहों की, एनजीओ की, उनको सम्मानित करने का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। उसी क्रम में आज सभी हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के प्रतिनिधिगण थे उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के चाय पे चर्चा किया, कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है और उसको ठीक प्रकार से हम लोग ग्राउंड लेवल पर संपादित करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी लोगों के साथ मिलकर के देश में एक मजबूत सशक्त सरकार बनाने के लिए हम सभी लोग इनसे आह्वान करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर